हर साल की तरह इस साल भी शहर के बजरंगी सेवा संस्थान द्वारा चलो राम मंदिर रामटेक दर्शन यात्रा ऐतिहासिक रैली आज भंडारा रोड सुदर्शन चौक से निकाली गई। इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं, ऐसी जानकारी अनिल समुद्री द्वारा दी गई है। प्रभु श्री रामचंद्र का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी संदर्भ में 6 साल से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इस साल भी यह यात्रा निकाली गई है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर आज भव्य रूप से जो निर्माण हो रहा है, इसके लिए सारा देश में सारे लोगों ने मेहनत किया है, सभी ने हिंदू समाज ने मेहनत किया है और हमारा जो भव्य राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है तो इसी के संदर्भ पर हम 6 साल से रैली संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और हमारी जो विजय है आज की जो शोभा यात्रा निकल रही है ये आज विजय रैली के माध्यम से निकल रही है। कितने लोग इसमें सहभाग होते हैं? हर साल की तरह इस वर्ष भी कम से कम 5 से 10 हज़ार कार्यकर्ता इस शोभा यात्रा में शामिल रहे। हम सभी जानते हैं कि 550 वर्ष का एक कलंकित ढांचा 6 दिसंबर 1992 में वो बाबरी ढांचे का ध्वस्त करके हिंदू समाज ने अपने शौर्य का एक इस प्रकार का शौर्य पूरा हिंदू समाज का हमारे पूरे विश्व में दिखाई दिया। उस शौर्य का और 1992 से लेकर आज तक प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण के लिए हम बारी बारी संकल्प करते रहे। गए 7 वर्ष से हम इस यात्रा का आयोजन करते हैं और यहाँ से प्रभु रामचंद्र जी के चरणों पर जाकर रामटेक में उनसे हम संकल्प लेते हैं कि भाई प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर होना चाहिए और वो संकल्प का पूर्ति हो गई और पूरे विश्व के हिंदुओं ने पूरा विश्व ये देख रहा है कि 2024 में और जनवरी के मकर संक्रांति में प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण होकर वो हिंदुओं के लिए सौंपा जाएगा, उनके लिए खोल दिया जाएगा और हिंदू बड़े शान से अपने प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन वहाँ लेने जाने वाले हैं और उसी के उपलक्ष्य में यह विजयी जो हिंदुत्व की हुई है उस हिंदुत्व के विजय के लेकर ये विजय यात्रा हम लोग यहाँ से सुदर्शन चौक से अनिल जी के नेतृत्व में, श्रीकांत जी के नेतृत्व में, नीलेश जी के नेतृत्व में, प्रताप जी खंडाई जी के नेतृत्व में ये यात्रा लेकर हम लोग यह सीधा रामटेक जी और रामटेक में प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में इस विजय रैली का समापन हम करने वाले। इस साल यह शोभा यात्रा विजय यात्रा के रूप में निकाली गई क्योंकि श्री रामचंद्र का भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू है। इस साल यह शोभा यात्रा विजय यात्रा के रूप में निकाली गई क्योंकि श्री रामचंद्र का भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू है और 2024 में यह राम मंदिर सभी के लिए खोला जाएगा जो काफी गौरव की बात है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।